वर्ष 2019 में होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारी अभी से ही लगभग सभी राजनीतिक पार्टियों के लोगों ने शुरू कर दी है। आगामी लोकसभा चुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीट हासिल हो, इसके लिए लगभग सभी पार्टियों के लोग एड़ी से लेकर चोटी तक मेहनत करने में जुट गए हैं। आगामी लोकसभा चुनाव में बेहतर परिणाम को लेकर महानगर कांग्रेस पार्टी की एक बैठक रविवार को बैंक रोड स्थित महानगर कांग्रेस पार्टी के अस्थायी कार्यालय में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष डॉ. सैयद जमाल ने की। बैठक में मुख्य रूप से आगामी चुनाव के तहत 5 जून से 25 जून तक ब्लॉक स्तर पर सम्मेलन कर कांग्रेस के कार्य योजनाओं को जनता के बीच रखने की कार्यक्रम पर मोहर लगाई गई। इसके अतिरिक्त इस बैठक में पार्टी के विकास और विस्तार पर भी मंथन किया गया। इस अवसर पर पार्टी के प्रदेश संगठन मंत्री डॉ. प्रदीप पांडे, महामंत्री श्रवण पांडे, मीडिया प्रभारी गोरखलाल श्रीवास्तव, गब्बूलाल प्रजापति सहित पार्टी के कई पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पार्टी के जिला अध्यक्ष डॉ. सैयद जमाल ने कहा, लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी पूरी तरह कमर कसने के लिए तैयार है और इसीलिए हमारी कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने उत्तर प्रदेश पर ध्यान केंद्रित किया है। हमारे प्रदेश प्रभारी और भारतीय कांग्रेस के महामंत्री आदरणीय गुलाम नबी आजाद साहब, हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय राज बब्बर जी ने एक नया कार्यक्रम हमको दिया है। संपूर्ण उत्तर प्रदेश में 5 जून से 25 जून के बीच में ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों के सम्मेलन आयोजित किए जाने हैं। इसी क्रम में आज गोरखपुर की यह बैठक हो रही है जिसमें हमारे ब्लॉक अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी गांव प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य गांव और कर्नाटक नेता उपस्थित हैं। आज हम लोग ये तय कर रहे हैं कि किस ब्लॉक में किस तारीख को सम्मेलन होगा। हमने ये निश्चित किया है कि 6 जून से 25 जून के बीच में हमारे 19 ब्लॉकों के सम्मेलन संपन्न होंगे। तो आप 6 तारीख को हम कर रहे हैं ब्रह्मपुर ब्लॉक से जो बिल्कुल बॉर्डर का सीमा का ब्लॉक है हमारा, उसके बाद दिनचर्या शुरू होता है। इस तरीके से पूरे ब्लॉकों में 1900 ब्लॉकों में हमारे कांग्रेस के लोग न्याय पंचायत स्तर के नेतागण और जितने भी सामान्य कार्यकर्ता बूथ स्तर के कार्यकर्ता सब एकत्र होंगे और प्रभारी का दायित्व हमारे एक जिला पदाधिकारी कराएंगे संपन्न कराएंगे और 12 जून को हमारे राष्ट्रीय सचिव श्री रामा गोस्वामी जी गोरखपुर में रहेंगे। उस दिन सहजना ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का सम्मेलन होगा। उस वो सम्मेलन बहुत ही ऐतिहासिक और जोरदार सम्मेलन होगा। उस अवसर पर हमारे मंडल प्रभारी श्री ईश्वर चंद्र शुक्ल जी भी 12 जून को गोरखपुर में रहेंगे। जा रही है जिसमें हमारे विशिष्ट कांग्रेस और गोरखपुर से जुड़े हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश पदाधिकारी और हिस्सा लेंगे। उस महत्वपूर्ण बैठक के बाद इस पूरे कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया जाएगा और उसी के अनुसार इस सारा कार्यक्रम संपादित किया जाएगा। आप समझिए कि जब ब्लॉक से हमारी शुरुआत हुई न्याय पंचायत के स्तर पर बूथ स्तर के लोगों को हम जगाने का काम कर रहे हैं। इसके बाद हमारा सम्मेलन तहसील स्तर पर भी होगा, जनपद स्तर पर होगा, फिर मंडल स्तर पर होगा। इस ये ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के सम्मेलन 5 जून से 25 जून तक पूरे प्रदेश में होने हैं। आदरणीय गुलाम नबी आज़ाद साहब और श्री राज बब्बर जी के निर्देशानुसार उसी क्रम में गोरखपुर में भी 5 जून से 25 जून के बीच में हमारे 19 ब्लॉक हैं, 1900 ब्लॉक के सम्मेलन संपन्न होंगे। उसी के संबंध में यहाँ ये बैठक ब्लॉक अध्यक्षों की और जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों की आयोजित की गई। किस रणनीति के तहत ये 5 जून से जो कार्यक्रम, हम कमर कस रहे हैं 2019 के चुनाव की तैयारी और हम शुरुआत कर रहे हैं बुनियादी रूप से। हमारा ब्लॉक ही हमारी बुनियादी इकाई है। हमारे ब्लॉक के सम्मेलन में न्याय पंचायत स्तर के हमारे कार्यकर्ता और बूथ स्तर के कार्यकर्ता शामिल होंगे।
इन बुनियादी कार्यकर्ताओं को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे, उनको जगाएंगे, उनके नजर एक नया हौसला बढ़ेंगे भरेंगे और उनको लेकर के एक बार ब्लॉक का सम्मेलन करेंगे, उसके बाद तहसील का सम्मेलन, फिर जनपद का सम्मेलन, फिर मंडल का सम्मेलन, क्रम वाइज हम आगे बढ़ते रहेंगे चरणबद्ध तरीके से।